हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ फिर से आपका स्वागत है एक बार चैप्टर फोर्थ मोटिवेशन के वीडियो लेक्चर नंबर सेवन्थ के अंदर। इससे पहले इस चैप्टर के अंदर मैं आपको 6 वीडियो दे चुका हूँ। चैप्टर ही अबाउट टू क्लोज है आज का वीडियो, और इसके बाद एक वीडियो और ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी पर, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे सिंपल थ्योरी है पूरे चैप्टर की, सबसे सिंपल थ्योरी है पूरे चैप्टर की। इसको देने वाले थे डगलस मैक ग्रॉगर। इस थ्योरी को देने वाले थे डगलस मैक ग्रॉगर। इनकी बुक थी एक, इनकी बुक थी और उस बुक का नाम था बच्चों ह्यूमन साइट्स ऑफ एंटरप्राइजेस। ह्यूमन साइट्स ऑफ एंटरप्राइजेस। प्रोफेसर डगलस ने एक बात बोली, प्रोफेसर डगलस ने एक बात बोली कि हर आदमी को समझाने का तरीका एक नहीं होता, हर आदमी को समझाने का तरीका एक नहीं होता। डिफरेंट माइंड्स, डिफरेंट थिंकिंग्स। अब कुछ की थिंकिंग तो होती है पॉजिटिव और कुछ की होती है नेगेटिव। तो इन्होंने यहाँ पर जो नाम दिया थ्योरी को वो दिया एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पर इन्होंने दो पार्ट किए इसके, ये बोला कि मैं आपको अलग अलग पर्सन की क्वालिटीज बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने जो पहला पार्ट लिया वो लिया एक्स थ्योरी। बच्चों याद रखो एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स कैसे बनता है, ऐसे। ऐसे क्या होता है, नेगेटिव। याद रखने का तरीका है बस, याद रखने का तरीका है बस। जहां पे क्रॉस दिख जाए ना आपको वो नेगेटिव मेथड है। तो नेगेटिव मेथड के अंदर क्या बता रहे हैं कि नॉर्मली एम्प्लॉयज जो नेगेटिव अप्रोच की जो नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, डिसलाइक वर्क, काम करना पसंद नहीं करते, और जहां तक होता है उसे क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। उनके बॉस ने उन्हें कुछ भी काम दिया, अरे यार आज बॉस ने मुझे ये काम दे दिया, अरे यार आज बॉस ने मुझे ये बोल दिया, अरे यार आज बॉस ने मुझे ये काम दे दिया, मुझे यहां जाना है, मुझे ये फाइल कंप्लीट करनी है, मतलब वो किसी भी काम से खुश नहीं होते, वो किसी भी काम से खुश नहीं होते। उनको जो भी काम दिया जाए वो उसे डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। लैक ऑफ एम्बिशन, इनमें एम्बिशन नहीं होता, और डिसलाइक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपनी जिम्मेदारी को क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। इनहेरेंटली सेल्फ सेंट्रल्ड, सेल्फ सेंट्रल्ड का मतलब पता है क्या होता है, कभी कुएं के मेंढक के बारे में सुना है आपने, कभी कुएं के मेंढक के बारे में सुना है? कुएं का मेंढक एक ऐसा जानवर होता है जो कुएं में रहता है, और उसे कुआ बहुत पसंद होता है, उसे लगता है कि कुआ दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जरिया है, जबकि वास्तव में ऐसा है क्या, नहीं। क्यों, वो उसे बाहर निकलना ही नहीं चाहता, वो उस कुएं को छोड़ के बाहर निकलना ही नहीं चाहता। इसीलिए जो नेगेटिव अप्रोच वाले पर्सन होते हैं वो सेल्फ सेंट्रल्ड होते हैं। सेल्फ सेंट्रल्ड का मतलब होता है बच्चों वो अपने आप में ही रहते हैं, वो दूसरी चीजों में जाना पसंद ही नहीं करते। नेक्स्ट है बच्चों, दे रिसिस्ट टू चेंज, इनको चेंज पसंद नहीं आता है, एंड लाइक ट्रेडिशनल अप्रोच, और हमेशा ट्रेडिशनल अप्रोच को ही ये काम में लेते हैं। इनको मॉडर्नाइजेशन पसंद नहीं है, इनको मशीनें पसंद नहीं है, इन्हें कंप्यूटर पसंद नहीं है, ये आज भी काम फाइल से और पेन से करना पसंद करते हैं, जो कि आज की प्रेजेंट इकोनॉमी के अंदर अगर आप कंप्यूटर का यूज नहीं करेंगे तो आप डेवलप नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है आपका लिटिल स्कोप ऑफ डेवलपमेंट। इस अप्रोच में डेवलपमेंट का स्कोप बहुत कम होता है। गुलेबल नॉट ब्राइट, ये ज्यादा ब्राइट नहीं होते, ज्यादा होशियार नहीं होते हैं। दे वर्क फॉर गेनिंग मनी, और ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, काम को अच्छा करने का उद्देश्य नहीं होता, सिर्फ टाइम पास करना, अपना टाइम पूरा करना और अपना पैसा लेना, ये सिर्फ इसी बात पर ध्यान देते हैं। चलिए बात करते हैं वाई थ्योरी की। वाई थ्योरी बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच है, बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दे अज्यूम वर्क एज ए नेचुरल पार्ट। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो किसी भी काम को नेचुरली लेते हैं, मतलब उन्हें काम करना पसंद है, वो नेचुरली उस चीज को लेना पसंद करते हैं। रेडी टू एक्सेप्ट न्यू मेथड्स, वो नए मेथड्स को, मॉडर्नाइजेशन को पसंद करते हैं, ट्रेडिशन को छोड़ना चाहते हैं। एम्बिशन होते हैं, रेडी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पसंद करते हैं। मैक्सिमम यूज ऑफ कैपेसिटी,
वो अपनी कैपेसिटी का मैक्सिमम यूज करते हैं, जितना 100% अपने काम में वो दे सकते हैं उसको देना वो पसंद करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है मोटिवेटेड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और अपने आप को पहचानते हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मोटिवेटेड होते हैं और उस काम को करना पसंद करते हैं। बच्चों बहुत सिंपल थ्योरी है ये वाली थ्योरी बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने आपका बहुत टाइम इसके अंदर वेस्ट नहीं किया है। इसके बाद में एक थ्योरी मेरी और बची है, विलियम ओचीज जेड थ्योरी, जिस पर हम कल डिस्कस करेंगे। आज आप लोग आज तक के नोट्स बनाएंगे, घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, लाइक करिए वीडियोस को, शेयर करिए, कमेंट कीजिए, और जो भी नोट्स मैं बनवा रहा हूँ उनको जरूर नोट डाउन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।